यूएचडी। और हमने मैटर के अंदर मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जनरल प्रॉपर्टी वो हर मैटर में पाई जाती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जब हम आए थे तो मैटर और प्रॉपर्टीज के बाद कुछ डिफरेंट प्रोसेस के नाम हमने सीखे थे, जैसे बॉइलिंग, सब्लिमेशन, ये क्या प्रोसेस है, इनमें क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर हमें डिस्कस किए। फिर हम सेकंड चैप्टर में जब आए थे तो उसमें हम सबसे पहले मिक्सचर पर डिटेल पढ़ी, मिक्सचर डिटर्जेंट होते हैं, सोल्यूशन कोलाइडर सस्पेंशन। फिर हमने सोल्यूशन के टाइप में पढ़ी, फिर उसके बाद कोलाइडर सस्पेंशन की जनरल प्रॉपर्टीज बताई थी मिक्सचर के अंदर, ये मिक्सचर के चीज़ों का मिक्स करके जो बनाए। फिर उसके बाद उसी चैप्टर में हम आ गए थे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी एलिमेंट और कंपाउंड। और हमने डेफिनेशन एलिमेंट की थी कि इट इज दैट इट इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इन विच ऑल एटम्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कह दो या सेम एटॉमिक नंबर, वो तो ज़्यादा बेटर, केमिकल एटॉमिक नंबर कहना ज़्यादा बेटर। एलिमेंट की गई मॉलिक्यूल फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए फिक्स रेशियो बाय मास, इन ए फिक्स रेशियो। मैंने आपको समझाया था कि फिक्स रेशियो क्यों कहते हैं, एलिमेंट तो फिक्स है, अगर उनकी रेशियो बदल जाएगी तो कंपाउंड बदल जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखिए समझाया था कि कार्बन और ऑक्सीजन मास के हिसाब से 3:8 की रेशियो में कंबाइन करें, यानी 3 ग्राम कार्बन 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इफ दे कम्प्लीटली कंबाइन। लेकिन अगर वो 3:4 की रेशियो में कंबाइन करें, यानी कार्बन 3 ग्राम और ऑक्सीजन 4 ग्राम, तब भी एक कंपाउंड बनेगा, वो हाईली पॉइजनस कंपाउंड है, उसके अंदर डेथ बहुत होती है, लोग कब्र में आग जला के सो जाते हैं, वो कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाईली पॉइजनस गैस है। फिर आपने उसमें पढ़ा था मैटर प्योर जो कंपाउंड जो मैटर के जो वो हैं, इसी चैप्टर में शुरू में जब मैं मिक्सचर पढ़ा था तो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कैसे करें, उसमें फिर काफ़ी सारे मैटर थे, कहीं कहीं डिटॉल कोई चीज़ कर रखी है, उसने हमने वो जो था सॉल्वेंट उसको इवोपरेट कर दिया, हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था अलग करने का, हमने सब क्या नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था, सब्लिमेशन से भी अलग करते हैं, हमने पढ़ा था कि भाई दो अगर अलग लिक्विड्स हैं और उनकी डेंसिटी अलग अलग है एंड दे फाउंड डिफरेंट लेयर, तो हम सेपरेटिंग फनल से बताया था कि अलग कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेटिंग फनल में एक लेयर ऊपर आएगी एक लेयर नीचे, तो नीचे वाली लेयर को अलग से हम आराम से अलग कर सकते हैं, द सेपरेशन ऑफ। लेकिन एक बात मैं कहेंगी, कुछ केमिकल ऐसे हैं, कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं, वो केमिकल मेथड से ही अलग होते हैं, सारे मिक्सचर फिजिकल मेथड से अलग नहीं होते, कुछ मिक्सचर ऐसे भी होते हैं जिनको यूज अलग करने के लिए हमें केमिकल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद भी हमने सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के बाद हमने एलिमेंट ऑफ कंपाउंड पढ़ा था, कंपाउंड की डेफिनेशन की आपको अभी आपको अभी लिखी चाहिए। फिर हमने उसके बाद बताया था कि कैसे हम पानी को प्योरीफाई करते, पानी में मिक्सचर हम बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रूरी हैं, जैसे सॉल्ट्स हैं, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो हमारी चीज़ के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ पॉइजनस चीज़ें होती हैं, तो पानी जो हमारे घर आता है वो सफाई होके आता है, अगर एज इट इज़ वो नदी है नाल में से पानी सप्लाई कर रहे हैं तो वो तो सब बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया होते हैं, पता नहीं क्या होती है। फिर हमने हवा को कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट को लेयर कैसे अलग करते हैं वो हमने एक तरीका बताया था कि मैं हवा को पहले लिक्विड एयर में बदलती हूँ, जब हवा लिक्विड एयर में बदलती हूँ सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और वो सॉलिडी फाइल भी हो जाती है फ्रॉम ड्राई आइस के, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड आर्गन, उनको हम लिक्विड एयर जैसे प्रेशर इंस्टॉलेशन से अलग करते हैं, लिक्विड एयर बना के फिर प्रेशर इंस्टॉलेशन से अलग होते हैं, आम डिस्टिलेशन से वो अलग नहीं हो। मैंने उस दिन पहले अच्छी तरह समझा दिया था कि प्रेशर इंस्टॉलेशन में जो टेम्परेचर है प्रेशर इंस्टॉलेशन का, जब उसको हम हीट करते किसी सब्सटेंस को वापस गैस बनाने के लिए, तो वो जस्ट उसका जो
बॉइलिंग पॉइंट पे से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, तो जरा बहुत ऊपर जाए तो उसको निकाल करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ताकि जब वो फ्रेक्शनरी कॉर्नर से गुजरें तो उसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो लिक्विफाई हो जाए, जो देर में बॉइल हो जाए। और एक चीज 50 पे बॉइल, 60 पे बॉइल होती है, 70 पे। अब हमने थोड़ा सा उसको हीट करके 75 पे, अब 75 डिग्री में तीनों बॉइल हो जाएंगे। जब हम उसको फ्रेक्शनरी कॉर्नर से गुजारेंगे तो ठंडे होंगे, तो जब वो ठंडे होंगे तो 75 से 70 वाला पहले आ जाएगा, और वो जो 70 पे जो जिस 70 पे बॉइल हुआ था 70 पे वो लिक्विफाई भी होगा, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा और लिक्विफाई हो जाएगा। और जो 60 पे 50 पे लिक्विड बन के वो वहाँ लिक्विफाई नहीं होंगे, वो गैस की फॉर्म में आगे बढ़ते जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ फ्रेक्शनरी कॉर्नर में ऊपर, जो भी गैस की फॉर्म में तो वो ऊपर चढ़ते जाएंगे। जब ऊपर चलेंगे तो और ठंडे होंगे, ठंडे होंगे तो टेम्परेचर 60 डिग्री पर आ जाएगा, जो 60 डिग्री पे बॉइल हुआ था वो कंडेंस हो जाएगा, लेकिन 50 वाला कंडेंस नहीं होगा। फिर वो और ऊपर चढ़ेंगे, इस तरह डिजाइन किया जाता है फ्रेक्शनरी कॉलम, और टेम्परेचर इस तरह मेंटेन किया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसे थोड़ा सा ज़्यादा हीट करते हैं ताकि सब बॉइल हो जाए। और फ्रेक्शनरी कॉलम में टेम्परेचर इस तरह मेंटेन किया जाता है कि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाएँ तो दूसरे का कंडेंसिंग पॉइंट आ जाए। ये एक सबसे नीचे कौन सा कंडेंस होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसके ऊपर वो कंडेंस होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड नंबर पर, यानी सबसे ज़्यादा से थोड़ा कम, वो सेकेंड वो उसके ऊपर कंडेंस होगा, वो वहाँ कंडेंस नहीं होगा, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, और जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचेगा वो कंडेंस नहीं होगा, तो वो थोड़ा ऊपर जाके ठंडा होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचता है। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले को और ठंडा करना है तो वो और ऊपर जाके ठंडा होगा। ये सारी बातें हम सेकेंड चैप्टर में करा चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हमने सेकेंड चैप्टर में आपको मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस भी बताए थे। भाई मिक्सचर और कंपाउंड में कॉमन चीज़ क्या है कि मिक्सचर भी कई चीज़ों से मिलकर बनता है, मिक्सचर के जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कहते हैं, कंपाउंड वो कई एलिमेंट से बनता है, बताए कंपाउंड एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट्स और कोई भी गिवन हो, मिक्सचर की रेशियो फिक्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि बाजार में जो टेम्पर कोला ड्राई आती कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं इनकी जो टेस्ट होता है इनका जो जो आमतौर से वो फिक्स रखते हैं, कोशिश करते हैं सेम रहे ताकि लोगों को फर्क ना लगे, एक ही क्वालिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन 100% सेम ये जरूर नहीं है। एक और कंपाउंड की जो रेशियो होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, वो अगर बदल जाएगी तो कंपाउंड बदल जाएगा, दिस इज योर लिमिटेशन, योर डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, इज इट ए कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स रेशियो बाय मास इसलिए कहते हैं अगर रेशियो बदल गई तो जिस कंपाउंड को बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा, कोई और नया कंपाउंड बनेगा या मिक्सचर बन जाएगा दोबारा से। बात समझ में आई? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की कुछ कार्बन की कुछ एटम और ऑक्सीजन कुछ एटम दे आर कंबाइनिंग इन द रेशियो 3:8, और कहीं पर ही कॉम्बिनेशन उसी जगह पर 3:4 का भी हो रहा है, 3:8 वाले जो रेशियो में कंबाइन हो रहा है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा, और 3:4 की फॉर्म में जो कंबाइन हो रहे हैं वो, इसलिए घर में जब हम आग किसी भी बंद कमरे में बंद जगह पर आग जलाएं तो वहाँ दोनों कॉम्बिनेशन होती है, इसलिए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बुझाने के लिए ज़्यादा बन जाए उस बंद जगह पर तो इंसान जो वहाँ पे होता है उसको मरने का चांस होता है, क्योंकि वो हाईली पॉइजनस होती है। अब हम जब नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, तो एटम की डेफिनेशन पे हम बात भी रहेंगे, उससे पहले कुछ लॉज को डिस्कस करते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी जो हमने कंपाउंड पढ़ा था तो कंपाउंड क्यों बना, तो ये कंपाउंड एलिमेंट से कंबाइन होने से बना, तो इनके कुछ लॉज होंगे जिसकी वजह से कंबाइन हुआ है, ये तो ऐसे ही कि कोई भी ऐसे बिना किसी लॉ के कंबाइन हो गया, कोई भी गिवन कंपाउंड जब वो कंबाइन करता है तो बनता है डिफरेंट एलिमेंट की कंबाइन होने से, कुछ लॉज को फॉलो करके बनता है। हर हालत में जितने भी कंपाउंड बने हैं या बन रहे हैं उनके जो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड बनाना चाहते हैं आप किसी खास कंपाउंड को, तो वो कुछ लॉस को फॉलो करके बनता है, अगर वो लॉस फॉलो नहीं होंगे तो कंपाउंड भी वाला कंपाउंड नहीं बनेगा जो हम बनाना चाहते हैं, या तो मिक्सचर बनेगा या कई कंपाउंड एक साथ एक कंपाउंड का मिक्सचर बनेगा
या फिर कोई और नया कंपाउंड आएगा, तो वो जो लॉज ऑफ कॉम्पिटिशन है उसमें सबसे पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है वो? ये कि भाई कि मास जैसे हमने पढ़ा था फिजिक्स में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन कब कंजर्व किसे कहते हैं? जिसको जो बढ़े नहीं घटे नहीं, जो जिसको हमने क्या कर दिया है क्या सेव कर दिया। एक तरफ जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन होते हैं कि भी कुछ जगहों पे फॉरेस्ट को काट ही नहीं दिया जाता, ये कंजर्व है इसको सेव कर रखा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब भी यही हुआ कि मास जो है वो कभी खत्म नहीं होता, ना बढ़ता है ना कम होता है। ये बात अलग है कि अभी आपको हम इसी बता देंगे कि अब ये लॉ 100% ट्रू नहीं है। समझ में आया? पहले ये अजम्पशन था जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन का डिस्कशन नहीं हुआ था, पता नहीं चला था। समझ में आया? तब तक ये था कि मास कभी ना बढ़ सकते ना कम हो सकता है, पूरी दुनिया का मास जो है वो कॉन्स्टेंट है। वो क्या था? मास के नाइदर बी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। अब ये कहना जरूरी है, पहले जनरल था मास जो कोई भी प्रोसेस हो मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, आगे कुछ ही कहते थे। लेकिन बाद में चला कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय हो जाता है और यह एनर्जी मास में रह जाती है, मास एनर्जी में रह जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जहाँ पे ये प्रोसेस होती है। समझ में आई बात? तो फिर अब हमें कहना पड़ा कि मास डिस्ट्रॉय कहाँ नहीं होता, एक तो फिजिकल चेंज में नहीं होता और दूसरा केमिकल चेंज में, इसलिए इसको वो ऐड करना पड़ा। आगे चलिए, मास क्या नाम है? मास के अंदर भी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल और फिजिकल चेंजिंग एनर्जी होगी। जब इनिशियली की लॉ दिया गया था तो ये लॉ इस्तेमाल की वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? द रीजन जो सर ये समझे आता था कि मास किसी और चीज में बदल ही नहीं सकता, मास ही रहेगा और कोई और चीज मास में नहीं बदल सकती, एनर्जी मतलब मास में नहीं बदल सकती, जैसे हमेशा फ्रिज रहेगा क्या कुछ भी हो जाए वाजिब बदल नहीं। ऐसा नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीजें बदल जाती हैं, मास एनर्जी मास में बदल जाती है और मास एनर्जी में। ये फॉर्मूला है उसका, ई इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर, आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला निकाला था और आज तक उसके ऊपर अभी तक वो चल रहा है वो फॉर्मूला। तो बहरहाल अब हमें इससे पहले ये सब साबित कैसे करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? डेफिनेशन तो समझ में आ गई, मास इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मास के नाइदर बी डिक्रीज नॉर डिक्रीज। हाँ, कब सब्सटेंस बदल जाएगा? सब्सटेंस मिसाल के तौर पर बाजार से लकड़ियाँ खरीद के लाए, आपने कभी लकड़ी को आपने वेट कर लिया, भाई ये लकड़ी जो है ये मेरा इसका वेट जो है मास जो है इसका वो 50 किलो है, हमको छीला वीला कुछ नहीं, उन्हीं लकड़ियों को काट के आपने टेबल बना दी। अब वो टेबल उसी लकड़ी से बनी है, तो जो लकड़ी का मास 50 किलो था तो टेबल में वो सारी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, टेबल का मास भी 50 किलो होना चाहिए। ये बात समझ में आएगी है कि आप फॉर्म बदल सकते हैं, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदल सकते हैं, एक कंपाउंड को ब्रेक करके उसको कई कंपाउंड और या कई एलिमेंट कई सब्सटेंस बना सकते हैं, कंपाउंड को ब्रेक करें डिकम्पोज करें। मैंने बताया था फिजिक्स में जब कोई कंपाउंड ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन, जब हम उसको हीट करके या इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करते हैं। तो कंपाउंड बदल सकता है, लेकिन जब मास है ब्रेक होने से पहले और ब्रेक होने के बाद जो उसके पार्ट्स हैं उन सबका मास सेम होगा। मास होने से पहले भी पहले था वो जो मास था वही ब्रेक होने के रिएक्शन के प्रोसेस के बाद भी वही होगा। तो केमिकल प्रोसेस से पहले जो मास होता है वही मास केमिकल प्रोसेस के केमिकल रिएक्शन के बाद भी होता है। तो इसको प्रूव कैसे करें? तो इसके लिए हमें प्रूव करने के लिए जो हमें चीज चाहिए वो ऐसी चाहिए जिसको हम जिसमें मास हमारे हाथ से ना निकले, मास को हम कंट्रोल अपने पास रख सकें। मिसाल के तौर पर अब एक लकड़ी जलाई और उसमें धुआं बना, समझना है। अब इसमें आपने दो मास धुआं बना वो निकल जाएगा आपके कॉन्टेक्ट आपके उसमें नहीं प्रदूषण में। लकड़ी जब चली तो वो हवा में से ऑक्सीजन यूज कर रही है, उसका कितना मास है वो भी आपको नहीं पता, वो भी आपको
तो एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित करना है कि मार्स ना डिस्ट्रॉय होता है ना बनता है ना घटता है, तो एक्सपेरिमेंट के जरिए बात बतानी है। तो हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसी रिएक्शन करनी है जिसमें ना तो कोई गैस बने, जो भी गैस बाहर निकल जाएगी उसका मास हम कंसिडर नहीं कर सकते, समझ में आई बात ये नहीं, ना कोई बाहर से कोई चीज उसमें शामिल हो, मतलब बंद क्लोज कंटेनर में ना बाहर से कोई चीज अंदर जाए ना अंदर से कोई चीज, तो रिएक्शन से पहले का जो मास है उस कंटेनर का या उस एपरेटस का जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं वो हम नोट कर लेंगे, और एप्लीकेशन क्या क्या नाम है रिएक्शन के बाद का भी नोट कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो रिएक्शन से पहले मास था रिएक्शन के बाद। तो हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है, हम हर एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सकते, हम खुले में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ मास बाहर से ऐड हो जाएगा जिसका हमें नहीं पता कितना हुआ, और कुछ अंदर से गैस की जगह में बाहर निकल जाएगा वो कितना निकला वो भी हम पता नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? तो हमें एक्सपेरिमेंट किस टाइप का करना है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि कोई बंद क्लोज कंटेनर में करना है ताकि ना कोई चीज अंदर जा सके ना कोई चीज, समझ में आएगा आपकी, यानी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स के मास में कोई चीज ऐड ना हो, और जब वो प्रोडक्ट बन जाए यानी रिएक्शन करके जो बनेगा उस प्रोडक्ट कहते हैं, तो जब वो प्रोडक्ट बन जाए तो उसके मास में कोई चीज बाहर ना जाए, समझ में आएगा, क्लोज कंटेनर में करना है, और रिएक्शन भी उस चीज की करनी है जो हमें नजर भी आ रहा है, साथ में नजर भी आ जाए कि भाई ये रिएक्शन हो गई, तो रिएक्शन से पहले हमें नजर आ रहा था और रिएक्शन के बाद नजर आ रहा है, रिएक्शन का पता चल रहा है। मिसाल के तौर पर एसिड और बेस, ये कलरलेस है, एसिड भी कलरलेस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेस है, आपने एट में पढ़ा होगा बेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया, कास्टिक सोडा ही बेस है, इनका सॉल्यूशन भी नहीं, दोनों कलरलेस है, दोनों कलरलेस पानी जैसे लगे, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, एसिड और बेस जब भी कभी मिक्स होंगे वो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, केमिकल चेंज होगी, अब ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन भी लिया है तो वो कंप्लीट कंबाइन करने की अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन भी लिया है और क्या बना देंगे वो सॉल्ट एंड वाटर, इसका पता हमें ना तो रिएक्शन से पहले चलेगा, क्योंकि रिएक्शन से पहले किले लिक्विड थे पानी जैसे, रिएक्शन जब हो जाएगी तभी वो पानी जैसे नजर आएंगे, तो हम पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन हुई है या अब जैसे वो देखो भाई एसिड और बेस मिल गया, देखो उसका मजन वेट जो था पहले भी सेम था और आप दोबारा वेट कर रहे हो उसी जैसे, तो देखने वाला ये था आपको बताया ज्यादा रिएक्शन हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें रिएक्शन का पता चल जाए, बात कौन सा समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये नहीं है कि भाई हम मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना जिसमें कोई चीज बाहर से ऐड हो जाए, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना जिसमें कोई चीज अंदर से बाहर निकल जाए, ना ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें रिएक्शन का पता ही ना चले, रिएक्शन हो गई हमें पता नहीं चलता, अभी बात समझ में आई नहीं आई, तो उसके लिए कुछ उन्होंने यहाँ पे आपको वो दिए दो ग्रुप दिए, जब वो रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन से पहले कुछ और कलर था या कलरलेस थे, रिएक्शन अगर होगी तो कलर बदल जाएगा और कलर नजर आते हैं, अगर कलर बदल गया तो हमें नजर आता है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो उसके इवन जो हम स्मेल वाले हैं वो भी हम नहीं करते क्योंकि स्मेल बदल गए तो ये रिएक्शन हो गई, लेकिन स्मेल बदली क्यों है, क्योंकि उसमें रिएक्शन करे ऑक्सीजन से जो खाना रखा होता है खराब हो जाता है, अब आपने जो रिएक्टेंट था तो आपको खाना था और एक जब वो कंबाइन कर रहा हवा की गैसे से ऑक्सीजन वगैरह से तो उसमें रिएक्शन तो हो रही है, उस रिएक्शन में ऐसा सब्सटेंस ही शामिल हो रहा है जिसका आपने वजन नहीं किया, आपको ये तो पता नहीं जाएगा रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि रिएक्ट करने वाले कौन कौन है और कितनी क्वांटिटी है, मैं खाना रिएक्शन खराब हो जाते हैं तो रिएक्शन होगी, अब उस रिएक्शन में एक तो खाना था एक तो दूसरा कौन था जिससे वो जिससे रिएक्ट करके वो खराब हुआ है आपको नहीं पता, पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे उन्होंने दो कॉपी कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं, उन्होंने कहा एक कॉपर सल्फेट एक कलरलेस लिक्विड होता है, तो एक होता है सोडियम कार्बोनेट, अगर इन दोनों को हम मिला दें यानी सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट में और उसमें थोड़ा सा दो ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की एक ड्रॉप भी डाल दें तो ये वो केमिकल एजेंट होते हैं, एक ड्रॉप भी डाल दें तो रिएक्शन हो जाएगी और उस रिएक्शन से कलर नजर आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो कलर क्या हो जाएगा ब्लू कलर रहेगा,
एंड कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन से पहले अलग अलग टेस्टिंग में से करा ले। जब आपने कॉपर सल्फेट की एक दो बूंदे सोडियम कार्बोनेट में डाल दी तो वो किस कलर में आ जाएगा? ब्लू कलर आ जाएगा। अच्छा एक बात और समझा, एक वर्ड और यूज करना, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट उस केमिकल जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसी रिएक्शन में किसी सॉल्यूशन के साथ बने, किसी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने, यानी इनसॉल्युबल वो सब्सटेंस होता है वो थोड़ी देर तक तो फ्लोट करता है फिर वो नीचे बैठ जाता है, उस वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने केमिकल रिएक्शन से उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिस इज सॉल्यूशन इन ए केमिकल रिएक्शन, ये वर्ड है प्रेसिपिटेट। तो अब डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट बड़ा याद रखना इसका ना सॉल्यूशन सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल पार्टिकल्स हैं हमें सॉल्यूशन का कलर बदला नजर आएगा, जब फिल्टर करेंगे तो वो जो सब्सटेंस बना है सॉल्यूशन वो जिस कलर का होगा वो या तो नीचे बैठ जाएगा या फिल्टर करने में फिल्टर पेपर पर आ जाएगा जो आपने फिल्टर पेपर यूज किया। अब जैसे आपने बताया था क्या लिया था आपने, कॉपर कॉपर सल्फेट ये कलर लेस था, जिसको हमने लिया सोडियम वर्ड से लिखो तो कार्बो जी। तो ये जब बने ये इनकी रिएक्शन बड़ी आसान है, वो एलएचओ को क्वेश्चन को होगा ना मैथ सवाल आप मैथ में करते हैं क्या होता है ए इज टू बी इस पर क्वेश्चन टू सी इज टू डी क्या करते हैं इसका क्या रूल है इसका अभी सीखा है मैथ में सीखा होगा जब हम देखने में आते हैं ए और डी का प्रोडक्ट बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर है ऐसे मतलब कंबाइन करते हैं। तो यहाँ भी ये हो रहा है कि ये रेशियो कॉपर इसका जो हिस्सा इसका दो पार्ट है पॉजिटिव एक नेगेटिव वो आप आगे लेने पड़ेंगे। तो कॉपर वाला हिस्सा जो है वो अपने हिसाब नेगेटिव पार्ट सल्फेट है, इसका पॉजिटिव पार्ट सोडियम है और नेगेटिव पार्ट कार्बोनेट है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को पास जाएंगे दैट इज नाइदर वेट इंक्रीज नॉर डिक्रीज, देयरफॉर वी कैन से इन ए केमिकल प्रोसेस the weight can neither increase nor decrease, it remains constant. This is called law of conservation of mass. I guess I hope so. समझ में आ गया होगा। इसको आप कुछ नोट करना चाहें कोई नहीं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ।